पूरे देश में चैत्र नवरात्रि की तैयारी तेजी के साथ चल रही है। बाजारों में नारियल और चुनरी की अभी से भरमार है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत इस वर्ष 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जिसका समापन 17 अप्रैल को होगा। नवरात्रि का पर्व माता दुर्गा को समर्पित होता है और इस पर्व का इंतजार सनातन धर्म को मानने वाले लोग बेसब्री से करते हैं। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें पहले चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि तथा 2 गुप्त नवरात्रि का पर्व होता है। फिलहाल चैत्र का माह चल रहा है। चैत्र नवरात्रि के दौरान ज्योतिष शास्त्र द्वारा बताए गए कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है, वरना कहा जाता है पुण्य का फल प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान किन किन चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। दरअसल अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्किराम बताते हैं कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि 9 अप्रैल से इस वर्ष चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि के दौरान जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए माता जगत जननी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए लोग कई तरह के उपाय भी करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक चावल की खरीदारी करना शुभ नहीं माना जाता। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान शुभ नहीं माना जाता। साथ ही खासकर काले कपड़े को नवरात्रि के दौरान नहीं खरीदना चाहिए।